बारिशों की वजह से काफी इलाकों में सैलाब जो है वो आ चुका है। बंद जो है उनके ऊपर से पानी आया है और कल से खबरें आ रही थी कि काफी जगहों में मकानों में जो है पानी घुस गया है और लोगों को काफी नुकसान हुआ है। ये देखते हुए कि हालत जो है काफी इलाकों में खराब है, मैंने अपना कैंपेन जो है वो रोक के फौरन अपने साथियों से बात की और तय किया कि मुझे मौके पे आके हालात का जो है जायजा लेना चाहिए और सुबह से इसी कोशिश में लगा हूं कि जहां जहां इस सैलाब से लोगों को नुकसान हुआ है एक तो खुद हाल देखूं और उसके बाद जहां जहां लोगों की हम मदद कर सकेंगे इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि इस इलाके के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट का जो है प्रोग्राम तैयार करना होगा, ये रातों रात होगा नहीं, लेकिन आज आंखों देखी जो हाल है वो सब उस सब से पता चल जाता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड जो है मैनेजमेंट प्रोग्राम वो हमें इस इलाके के लिए तैयार करवाना होगा और इंशाल्लाह करवाएंगे। छोड़िए ना, मैं आज ना इन चीजों में नहीं पढ़ूंगा, मैं आज कैंपेन करने नहीं आया हूँ। कैंपेन की बात इंशाल्लाह कैंपेन के दिन करेंगे। 2 तारीख को मुझे कागज भरने हैं, 6 तारीख को मुझे यहाँ से अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू करना होगा। उस दौरान कैंपेन के बारे में आपने मुझे जो भी पूछना होगा आप पूछ लीजिए। आज मैं कहीं पर भी जहां पर भी मैं रुक रहा हूँ कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई लोगों से इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा आज आने का मकसद ये नहीं था कि मैं कैंपेन करूँ या वोट मांगूँ, सिर्फ और सिर्फ एक तो लोगों के साथ हमदर्दी जो इस सैलाब से जो है जिनको तकलीफ पहुंची है और उसके साथ साथ जहां हम अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इनको थोड़ी सी राहत पहुंचा सकेंगे हमारी मुकम्मल कोशिश यही रहेगी। इसके अलावा हमारा आज आने का कोई मकसद नहीं। सरकार से आपका क्या मुतालबा है, क्या इन गरीब लोगों को ये जो नुकसान हुआ इसका मुआवजा दिया जाए? मिलना चाहिए और जरूर मिलना चाहिए। आपने खुद देखा कितने सारे ऐसे घर हैं जहां पानी 2-2, 3-3 फुट अंदर गया है, अब मुश्किल से पंप के जरिए वो पानी निकालने का